हरदोई में एक महिला अधिकारी हैं, एडीएम वंदना त्रिवेदी। वंदना त्रिवेदी का रौद्रावतार आज हरदोई की सरकारी मंडी समिति में देखने को मिला, जहां पर वो व्यापारियों से ईवीएम स्ट्रांग रूम बनाने के लिए दुकान खाली कराने गई थीं। लेकिन व्यापारियों और महिला अधिकारी के बीच में तकरार ऐसी बढ़ी कि एडीएम अपने रौद्रावतार में आ गईं। सबको नोटिस मिल चुकी है, सबको नोटिस मिल चुकी है। नहीं, खाली हो जाएंगे साहब, सुन लीजिए, खाली दुकान देंगे, खाली देंगे सबको। कई बार आ चुके हैं, कई बार एक बार होता सिर्फ में। आप हमको ज्ञान समझा रहे हो, मेरे रोड के पूछ के कब्जा के पहले तो मैं आपके आज फिर FIR 353 में कराऊं, तब मैं आपसे बात करूं। रोड कब्जा करके बदतमीजी से बात करके आप नारेबाजी कराने के लिए आए हैं आप? आपको लेके आए नारेबाजी कराने के, इसलिए आपको घेर करके लाए। पूरे रोड के से पूछे कब्जा किए नहीं, अपने गलती छुपाने के लिए दुकान खाली नहीं होता है। आज कैसे नहीं होगा, आज ही कैसे होगा, कल भी नहीं छोड़ेंगे, कैसे नहीं होगा। दरअसल अपर जिला अधिकारी वंदना त्रिवेदी और व्यापारी सरकारी मंडी का, जहाँ पर महिला अधिकारी विधानसभा चुनाव ईवीएम के लिए स्ट्रांग रूम की व्यवस्था करने गई थी। यहाँ पर उन्होंने व्यापारियों से स्ट्रांग रूम बनाए जाने के लिए दुकान खाली करने को कहा, लेकिन कुछ व्यापारियों ने समय देने की मांग की। इसके बाद व्यापारियों और अपर जिलाधिकारी के बीच में कुछ तकरार हुई और तकरार के बाद अपर जिलाधिकारी का रौद्र रूप सामने आया। महिला अधिकारी ने व्यापारियों को मुकदमे कायम करने और उनके लाइसेंस निरस्त करने की धमकी भी दी। महिला अधिकारी की धमकी के बाद व्यापारियों ने हड़ताल करने का मन बनाया हुआ है। आप लोग हड़ताल पे जा रहे हैं? मामला ये है कि आज सुबह EDM, सिटी मजिस्ट्रेट, CO, कोतवाल सब लोग मंडी परिसर में आए इलेक्शन के उपलक्ष्य में, जिसके कि उन्होंने पीछे की मंडी का खाली कराने का कार्य के लिए आए, तो उसमें उन्होंने पीछे वाली मंडी को खाली कराने की काफ़ी हद तक कोशिश की। उन्होंने हम लोग को धमकाया कि आप पीछे के ये फेस जो आपको दुकानें बताई गई उनको खाली कीजिए, वरना आपके नाम FIR होगी, आपकी लाइसेंस सस्पेंड की जाएगी और आपको जेल में भी डलवाया जाएगा अगर कार्रवाई की जरूरत पड़ी तो। और उन्होंने बहुत ही अभद्र तरीके से व्यवहार किया हम व्यापारियों के साथ में और कुछ किसानों के साथ में भी, और जिसके कारण हमारी मंडी अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए जा रही है।